स्वीप लर्न क्या है देख लेते हैं लर्न इज इंडिया डेस्टिनेशन फॉर क्लासेस वन टू टेन अब ये इंडिया का मोस्ट सिंसियर लर्निंग डेस्टिनेशन क्यों है क्योंकि यहाँ पे है 100% परसेंट लाइव एंड इंटरक्टिव क्लासेस जैसे कि फेस टू फेस वन टू वन कम्युनिकेशन होता है तब बच्चों के सामने ही डाउट्स क्लियर हो जाते हैं विथ टीचर ऑल्सो हमारे यहाँ पे बैच है ना मैक्सिमम सिक्स स्टूडेंट्स की रहती है जब सिक्स स्टूडेंट्स की मैक्सिमम बैच रहती है तो हर एक बच्चे के ऊपर पर्सनल अटेंशन रहता है हर एक बच्चे को पर्सनल अटेंशन मिलता है ऑल्सो हर एक बच्चे के पीछे एक सेपरेट एकेडमिक मेंटर टीम रहती है जो बच्चों का प्रोग्रेस हो रहा है या नहीं ये भी ट्रैक करती है टीचर तो सेपरेटली है ही और यहाँ पे है एकेडमिक मेंटर टीम जो ट्रैक करती है बच्चों का प्रोग्रेस ओके विच वर्क्स ऑन स्टूडेंट्स प्रोग्रेस ऑल्सो वी कवर सिलेबस एज पर द स्कूल एग्जाम स्कड्यूल उससे पहले ही पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाता है ताकि आप एग्जाम में कॉन्फिडेंटली अपियर हो जाओ ऑल्सो वी हैंडल कस्टम रिक्वेस्ट किसी के और कोई रिक्वेस्ट हो पर्सनल रिक्वेस्ट हो कस्टम रिक्वेस्ट हो रिगार्डिंग टू स्टडी तो वो भी यहाँ पे फुलफिल किए जाते हैं ठीक है तो डेफिनेटली कॉन्टैक्ट टू अवर स्वीफ लर्न टीम और हमारा बुक ट्रायल क्लास भी बुक कीजिएगा सो दैट आपको एक्सपीरियंस आ जाएगा ओके नाउ आवर की फीचर्स तो हमारे यहाँ पे डिटेल प्रोग्रेस रिपोर्ट बनता है हर एक स्टूडेंट का उसके लिए सेपरेट एकेडमिक मेंटर टीम रहती है जैसे कि मैंने बोला और वो ट्रैक करता है कि बच्चों का प्रोग्रेस हो रहा है या नहीं ऑल्सो देर आर अनलिमिटेड प्रैक्टिस टेस्ट जितना प्रैक्टिस करना है बच्चा उतना प्रैक्टिस कर सकता है यहाँ पे और उतना कॉन्फिडेंटली वो स्कूल के एग्जाम के लिए अपियर भी हो सकता है ऑलसो वीकली बेसिस पे यहाँ पे रहते हैं स्वीफलन अकेडमिक टेस्ट सीरीज सेट यहाँ पे स्टूडेंट देख सकता है कि वो नेशनल लेवल पे कहाँ पे स्टैंड करता है ओके okay? तो हम प्रोग्रेस कंपेयर कर सकते हैं नाउ सब्जेक्टिव टेस्ट भी रहते हैं फॉर स्कूल एग्जाम्स क्योंकि बस ऑब्जेक्टिव जैसा थोड़ी हमें पढ़ाई करनी है हमें स्टेप वाइज आंसर भी लिखने पड़ते हैं तो इसके लिए पूरा गाइडेंस मिलेगा स्वीप लर्न में कौन सी स्टेप मैंडेटरी है कौन सी स्टेप को कितने मार्क्स मिलेंगे और किस टाइप से और किस तरीके से आपको आंसर लिखना है एग्जाम में वो सारा यहाँ पे बताया जाता है ओके सो दिस इज अबाउट आवर फीचर्स एंड आपको हमारे स्वीफ लर्न के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना है प्रेस द बेल आइकॉन बटन सो दैट यू विल नेवर मिस एनी अपडेट फ्रॉम आवर टीम कोई भी वीडियो यहाँ पे अपलोड हो जाता है तो आपको तुरंत नोटिफाई नोटिफिकेशन मिल जाएगा ठीक है अब देखो आज का अगर हमारा सेशन आपको पसंद आए तो आप लाइक करिएगा कॉमेंट करिएगा एंड ऑल्सो शेयर विथ योर फ्रेंड्स ठीक है चलो फिर हम आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं कल हमने स्टार्टिंग का पार्ट पढ़ा था किसका डेटा हैंडलिंग का डेटा मतलब क्या होता है कौन बताएगा मुझे चलो फटाफट से बताओ यस yes. कौन बताएगा वॉट इज मीन बाई डेटा कल हमने पढ़ा था डेटा इज नथिंग बट इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन हाँ, तो आज का ऑब्जेक्टिव क्या है हमारा आज का ऑब्जेक्टिव है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा डेटा को कैसे ऑर्गेनाइज करेंगे तो उससे पहले जो हमने अभी तक पढ़ा है उसके बारे में थोड़ा रिवाइज करते हैं हाँ तो देखो हमने क्या देखा कल कल हमने देखा डेटा डेटा मतलब इंफॉर्मेशन ओके इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन जो बाद में भी कुछ सालों बाद भी हमें लग सकती है ठीक है इसलिए वो डेटा है दैट इज इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन अब इस डेटा को हैंडल करना है हमें मतलब मैनेज करना है पूरा डेटा पहले स्टार्टिंग में शायद कम हो सकता है बाद में वो बढ़ता बढ़ता जाता है मतलब हमें क्या करना है उसका रिकॉर्ड रखना है राइट right? तो ये तीन स्टेप्स में हम करते हैं पहले रखते हैं कलेक्शन ऑफ डेटा मतलब हम डेटा को रिकॉर्ड करते हैं उस, उसके बाद सेकेंड स्टेप में हम क्या करते हैं ऑर्गेनाइज करते हैं मैंने लास्ट टाइम भी बोला था और थर्ड स्टेप में हम करते हैं उसे एनालाइज ओके okay? हम क्या करते हैं उसे हम उसे एनालाइज करते हैं रिकॉर्ड करते हैं डेटा को ऑर्गेनाइज करते हैं लास्ट में एनालाइज करते हैं ओके okay? तो इसमें से हमने रिकॉर्ड कैसे करना है वो देख लिया आज हम देखेंगे हमें ऑर्गेनाइज कैसे करना है ओके okay? तो चलो फटाफट से ज्वाइन हो जाओ तब तक हम रिवाइज कर लेते हैं कल के सेशन का कल हमने एक एग्जाम्पल दिखा देखा था उसमें क्या था यूर टीचर इज प्लानिंग टू गो फॉर अ पिकनिक विथ टेन टेन स्टूडेंट्स और टीचर को क्या इंफॉर्मेशन चाहिए उसने टीचर ने बताया था साक्षी को कि वो प्रिपेयर करे चार्ट डेटा कलेक्ट करे टेन स्टूडेंट्स को फ्रूट्स कौन कौन से पसंद है तो साक्षी ने उसको टेबल फॉर्मेट में लिखा था ओके okay? तो चलो अभी तक कल तो हमारे यहाँ पे नाम थे चलो इसका थोड़ा इसको थोड़ा इंटरेस्टिंग बना लेते हैं आप अपने फ्रेंड्स के यहाँ पे नाम लिखो और वो फ्रूट्स उसे चाहिए तो जैसे कि देखो टेन स्टूडेंट्स है तो समझ लो यहां पे है पहला स्टूडेंट ले लो कपीश ओके देन मृदुल देन काव्या को चाहिए वाटरमेलन मेलन चलो फिल करते हैं आपको किसका नाम चाहिए यस टेल मी चलो बच्चों फटाफट से ज्वाइन हो जाओ यस काव्या चलो रिया ले लिया मैंने परी भी ले लिया परी को चाहिए ऑरेंज लाइकवाइज यू कैन फील दिस हाँ तो यहां पे देखो काव्या रिया परी चलो कांचन या मृणाल प्रज्ञा सुरेखा ओके okay. इतने हमारे टेन स्टूडेंट्स को क्या चाहिए वाटरमेलन, ऑरेंज वाटरमेलन, बनाना ऑरेंज की भी तो ये हो गया हमारा टेबल फॉर तैयार मतलब ये हो गया हमारा डेटा मतलब क्या हो गया ये हो गई हमारी इंफॉर्मेशन और इसे हमने कलेक्ट किया है अब इसका हम रिकॉर्ड बनाएंगे ठीक है हमने ये कहाँ पे तो नोट करके लिख दिया मतलब क्या हो गया हमने ये डेटा रिकॉर्ड कर दिया ठीक है यहाँ तक हो गया पहली स्टेप थी हमारी डेटा हैंडलिंग की क्या थी कलेक्शन ऑफ डेटा रिकॉर्डिंग डेटा तो यहाँ पर हो गया हमारा डेटा रिकॉर्ड हमने इसका रिकॉर्ड रख दिया ठीक है तो ये हो गई हमारी पहली स्टेप अब नेक्स्ट टॉपिक क्या है इसके आगे हम क्या करेंगे जो डेटा है उसे हम ऑर्गेनाइज करेंगे ताकि दो चार साल बाद भी हम इस डेटा को देखेंगे तो हमारे मन में जो क्वेश्चन है उसके आंसर हमारे सामने चाहिए दैट इज नथिंग बट एनालाइज दैट डेटा ओके चलो देखते हैं यहां पे ऑर्गेनाइज करने के लिए हम ना एक एग्जाम्पल ले लेते हैं सम, समझ लो कि हैरी गया है मार्केट में ओके हैरी वेंट टू द मार्केट फ्रूट मार्केट एंड स्टोर में गया है ठीक है तो वहां से उसने क्या क्या बाय किया उसने ट्वेंटी फाइव ऑरेंजेस हैरी ने बाय किए हैं, टेन बुक्स बाय किए हैं, फाइव बॉटल्स भी बाय किए हैं ठीक है ठीके? और उसके बाद थ्री टॉय कार टेन कोल्ड ड्रिंक ट्वेल्व बनानाज ये भी बाय किया है मतलब इतना सारा उसने परचेस किया है अब हमें ये डेटा मिला हमें अब हमें उसका रिकॉर्ड रखना है रिकॉर्ड किस तरीके से रखेंगे हम टेबुलर फॉर्मेट मतलब टेबल में हम लिखते हैं ठीक है तो हम हमें यहाँ पे देखो डेटा मिल गया क्या मिल गया डेटा यहाँ पे डेटा है ऑरेंजेस कितने हैं ऑरेंजेस ऑरेंजेस है ट्वेंटी फाइव बुक्स कितने लिए थे हैरी ने टेन बुक्स लिए थे बॉटल्स कितने लिए थे फाइव बॉटल्स लिए थे टॉय कार कितनी ली थी थ्री टॉय कार लिए थे कोल्ड ड्रिंक्स टेन बनाना ट्वेल्व मतलब ये क्या हो गया ये जो हमने टेबल तैयार किया ये हो गया हमारा डेटा एंड दिस इज आवर रिकॉर्ड ऑफ डेटा ओके ये हमने क्या किया रिकॉर्ड किया है अभी यहाँ पे डेटा ठीक है दिस इज रिकॉर्ड ऑफ डेटा अंडरस्टुड टिल दिस पॉइंट पहली स्टेप तो भाई हमारी हो गई रिकॉर्ड कर दिया हमने डेटा अब उसके बाद की स्टेप क्या होती है ऑर्गेनाइज डेटा अब समझ लो ये हो गया हमारा डेटा रिकॉर्ड कुछ देर बाद क्या हो गया हैरी का ब्रदर आ गया नोटी बॉय उसने क्या किया ये सारा मेसअप कर दिया मतलब जो जो हैरी ने लाया था ना बुक्स इधर उधर बिखेर दिए ब्रोक कर दिए बहुत सारी चीजें ठीक है इतना सारा कर दिया हैरी ने हैरी के ब्रदर ने ओके जैक ने अब देखो थोड़ी देर बाद हैरी आता है हम्म हैरी ने देखा अरे बाप रे ये तो सारा मेस हो गया अब हैरी ने सोचा अब हम क्या कर सकते हैं तो हैरी ने सोचा कि चलो इसे वापस से ऑर्गेनाइज करते हैं ऑर्गेनाइजिंग डेटा मतलब उसे अरेंज करते हैं ये सोचा हैरी ने हैरी ने क्या सोचा चलो उसे ऑर्गेनाइज करते हैं ऑर्गेनाइज का मतलब क्या अरेंज करते हैं क्योंकि उसने क्या क्या लाया था बुक्स लाए थे बॉटल्स लाए थे कार लाई थी राइट तो ये सारा लाया था बुक्स को इकट्ठा रखते हैं, सिमिलर जो है प्रोडक्ट्स उसे इकट्ठा रखेंगे सारे बुक्स एक साइड सारे पेन्स एक साइड सारे बॉटल्स एक साइड ओके okay, तो इसे बोलते हैं ऑर्गेनाइज करना घर पे भी आपकी मम्मा करती होगी ना घर ऑर्गेनाइज करती है ना कपड़े हम एक जगह पे रखते हैं या फिर घर में कहीं पर भी रखते हैं नहीं हमारा घर भी वेल ऑर्गेनाइज़्ड रहता है घर में किचन की चीजें किचन में ही रहती है हॉल वाली चीजें हॉल में ही रहती है कब्बर्ड में हम कपड़े ही रखते हैं वेल ऑर्गेनाइज घर है ना थिंग बट ऑर्गेनाइज जो चीज जहां होनी चाहिए वहां पर हमने रख दी सॉर्ट करके सेग्रीगेट करके सेपरेट करके रख दी दैट इज नथिंग बट ऑर्गेनाइज ओके डेटा का भी हमें यही करना है जो हमारे पास इंफॉर्मेशन है उसे सेपरेटली हमें ऑर्गेनाइज करना है तो हैरी ने क्या किया हैरी ने जो जो चीजें लाई थी ना उसे वो अब ऑर्गेनाइज कर रहा है ठीक है तो बेसिकली वॉट इज ऑर्गेनाइजिंग ऑफ डेटा सो ऑर्गेनाइजिंग ऑफ डेटा इज सिंपली मीन्स अरेंजिंग थिंग्स इन अ सिमिलर ग्रुप जैसे कि अभी मैंने बताया आपको बुक्स है बुक्स सारे एक जगह पे घर पे भी ऐसा रहता है ना बुक शेल्फ में हम बुक बुक्स रखते हैं जो हमारे किचन के टूल्स है हम किचन में ही रखते हैं ठीक है तो वैसे ही हम घर पे भी सारा ऑर्गेनाइज करते हैं इसी तरीके से आपको डेटा भी ऑर्गेनाइज करना है ठीक है सिमिलर ग्रुप्स में आपको उसको अरेंज करना है ओके नाउ तो चलो देखते हैं आगे का यस नाउ लुक हियर अब हैरी ने क्या किया स्टेप वन ऑर्गेनाइज करने के लिए उसने क्या सोचा उसने पहले सोचा चलो बुक्स कलेक्ट कर लेते हैं हैरी बुक, बुक एक, एक जगह पे कर लेता हूँ तो उसने सारे बुक्स क्या किए एक जगह पे कर लिए सारे हो जाने के बाद उसने एक बार देखा कहीं पे बुक नहीं ना गया जैक ने इधर उधर नहीं ना रख दिया है वो ठीक है तो उसने क्या किया उसने सारे बुक्स एक जगह पे रख दिए बुक्स हो गए राइट नाउ ही काउंटेड ऑल बुक्स अब उसने सारे एक जगह पे बुक रख दिए नाउ उसने क्या किया अब उसने सारे बुक्स काउंट किए कि सारे आ गए या नहीं यस yes. चलो बुक्स का ऑर्गेनाइज हो गया मतलब बुक को उसने अच्छे से ऑर्गेनाइज किया अब हम क्या करेंगे वन बाय वन हर एक ऑब्जेक्ट लेंगे बॉटल थी पेन थे कार थी ये सारे ऑब्जेक्ट्स लेंगे हम और सारे बॉटल्स को एक जगह पे रख देंगे ठीक है तो इस तरीके से सारे जो बाकी बचे आइटम्स हैं, वो एक जगह पे ऑर्गेनाइज हम कर देंगे ठीक है अंडरस्टूड टिल दिस पॉइंट नाउ नाउ अब हम क्या करेंगे अब अब हमारा डेटा मिल गया अब डेटा हमें रिकॉर्ड करना है अब हमने नया टेबल बना लिया इस डेटा का क्योंकि वो मेसी हो गया था सारा चलो वापस से एक टेबल बना लेते हैं तो उसका भी हम क्या करेंगे एक अलग से टेबल बनाएंगे लेकिन देखो हैरी ने क्या किया हैरी ने इतना सारा करना करना पड़ा उसे हाँ तो क्या हो गया वो टायर्ड हो गया राइट right? ये टी है इतना सारा क्यों करना तो वो सोच रहा है कि और कोई बेटर ऑर्गेनाइजिंग मेथड है या नहीं मैं कैसे अच्छी तरीके से और ऑर्गेनाइज कर सकता हूं ये एक हो गया लेकिन अभी तो चार पांच चीजें थी हाँ, समझो छह चीजें थी लेकिन जब पचास पचास चीजें होंगी फिफ्टी फिफ्टी जब ऑब्जेक्ट्स होंगे तब हम कैसे मैनेज करेंगे ये सारा राइट दैट टाइम ये डिफिकल्ट है तो हैरी के फ्रेंड ने उसे एक सजेस्ट किया ओके okay? पॉल उसके फ्रेंड ने उसे सजेस्ट किया पॉल टेल्स हिम टू यूज टैली मार्क्स टू ऑर्गेनाइज हिज डेटा जब थोड़े फॉर्मेट में छोटे फॉर्मेट में है ना डेटा तो चलो उसके लिए हम ऑर्गेनाइज करते हैं बाय यूजिंग टैली मार्क्स हां अब चलो सीखते हैं हैरी को सीखना है अब कैसे करना है टैली मार्क्स से ठीक है तो जैसे कि मैंने आपको बताया हमारा डेटा रिकॉर्ड तो हो गया है अब हम देख रहे ऑर्गेनाइजिंग डेटा तो उसमें से पहली है जब कम चीजें होती है तब हम ऐसे ऑब्जर्वेशन से कर सकते हैं ऑर्गेनाइज लेकिन बेसिकली जब बड़े अमाउंट में चीजें होती है उस टाइम हम क्या करते हैं डिफरेंट ऑर्गेनाइजिंग टेक्निक्स यूज करते हैं तो उसमें से स्टार्टिंग की मेथड है मार्क्स बाकी का पिक्टोग्राफ होता है बार ग्राफ होता है पा चार्टे पाई ये सब आप धीरे धीरे आगे भी पढ़ेंगे ठीक है तो अभी के आज के लिए हम पढ़ेंगे हमारा मार्क्स बहुत इंटरेस्टिंग है और बहुत ही ईजी है हा सिंपल वे में जाओ उसके लिए बस आपको डेटा देखना है डेटा दिया होता है उसका आपको रिकॉर्ड देखना है रिकॉर्ड देख के बस टैली मार्क्स का टेबल तैयार करना है चलो फिर करते हैं एवरी इज रेडी चलो टैली मार्क्स इतना आसान है वॉट इज टैली मार्क्स बेसिकली टैली मार्क्स इज नथिंग बट कीपिंग काउंट बाई ड्राइंग वन मार्क और वो मार्क क्या है स्टैंडिंग लाइन ओके okay, ये जो स्टैंडिंग लाइन है दैट इज मार्क ओके अब देखते हैं ये जो टैली मार्क्स है उससे हम काउंट रखेंगे जितना नंबर होगा जो काउंट होगा वो हम इस स्टैंडिंग लाइन से रिप्रेजेंट करेंगे ठीक है चलो फिर अब देखते हैं इन डिटेल स्टेप बाय स्टेप ये टैली मार्क्स कैसे हम लिखेंगे हाँ, तो अब उससे पहले हम देख लेते हैं कि हमें वो हेल्प कैसे करता है सो टैली मार्क हेल्प टू डिवाइड अवर डेटा इन ग्रुप ऑफ फाइव एंड इजीली काउंट दो ग्रुप्स ओनली यस फाइव के ग्रुप में जब भी हमें कोई नंबर दिया जाता है बंच समझ लो पेंस है पेंस को अगर मैंने बताया कि फाइव फाइव पेंस के ये बंडल से समझो ये फाइव पेंस के बंडल से समझो ये मैंने सर्कल रखे हैं इसमें फाइव पेंस के बंडल है मतलब इसने इसमें फाइव इसमें फाइव इसमें फाइव इसमें फाइव हमें टोटल करना कितना आसान हो जाता है फिर राइट right? हम इजीली टोटल कर सकते हैं फाइव प्लस फाइव टेन प्लस फाइव फिफ्टीन तो इसलिए ये टैली मार्क्स हमें आसान जाता है क्योंकि हम ग्रुप करते हैं फाइव का हुँ? तो फाइव के ग्रुप में हमें काउंट करना बंच बहुत आसान जाता है तो यही हम यहाँ पे यूज करेंगे चलो देखते हैं जैसे कि मैंने बताया टैली मार्क्स मतलब हमें बस डेटा स्टैंडिंग लाइन में रिप्रेजेंट करना है अब हर एक नंबर हमें पता है हमारे नंबर शुरू होते हैं जीरो से ऑल पॉजिटिव नंबर समझ लो ये डेटा है काउंटिंग नंबर्स मतलब यहाँ पे आते हैं नेचुरल नंबर्स काउंटिंग मतलब आएगा कौन सा नंबर सेट नेचुरल नंबर सेट नेचुरल नंबर सेट तो इसमें जीरो नहीं आएगा ओके okay? तो यहां से शुरू होगा वन से हमारा डेटा हमेशा शुरू होता है टिल इन्फिनेटिव ओके ऑलवेज रिमेंबर दिस इसमें जीरो नहीं आता इसलिए टैली मार्क्स में हम कभी भी स्टैंडिंग क्योंकि हम काउंट करते हैं और काउंटिंग मतलब हमारे नेचुरल नंबर विच स्टार्ट फ्रॉम वन ओनली पॉजिटिव वन नाउ ये जो सिंगल लाइन है वो रिप्रेजेंट करती है वन ओके okay? अब टू कैसे रिप्रेजेंट करेंगे अगर मुझे टू रिप्रेजेंट करना है तो टू के लिए मैं लिखूंगी टू स्टैंडिंग लाइंस। अब मुझे थ्री रिप्रेजेंट करना है तो मैं यहाँ पे थ्री स्टैंडिंग लाइन लिखूंगी अगर मुझे फोर स्टैंडिंग लाइंस, मतलब फोर रिप्रेजेंट करना है नंबर तो मैं यहाँ पे लिखूंगी फोर स्टैंडिंग लाइन अब जैसे कि हमने बताया यहाँ पे फाइव नंबर्स का बंच रहता है तो अब आता है लास्ट नंबर फाइव ओके okay, अब हम फाइव कैसे रिप्रेजेंट करेंगे आपको बंच कैसे पता चलता है तो देखो जैसे मैंने ये चार का मार्क्स कर दिया और उसके यहां पे बस ये स्लैंटिंग लाइन लगा दी ये हो गया मेरा फाइव नंबर का रिप्रेजेंटेशन टैली मार्क्स में फाइव नंबर को मैं ऐसे रिप्रेजेंट करूंगी यस ओके गुड इवनिंग तनुजा यस थैंक यू बेटा नाउ फाइव यहां पे क्या हो जा हो, होगा फोर स्टैंडिंग लाइन एंड उसके बाद स्टैंड स्लैंटिंग लाइन देंगे हम ठीक है ये हो जाएगा फाइव अब इसके बाद सिक्स कैसे आप हाँ रिप्रेजेंट करोगे ये देखो ये हो गया सिक्स इज इक्वल टू कैसे फाइव का बंश तो मेरा यहाँ पे आएगा ये हो गया स्लैंड लाइन और ये हो गया फाइव इससे रिप्रेजेंट क्या होता है फाइव रिप्रेजेंट होता है अब इसके आगे क्या होगा इसके आगे वन स्टैंडिंग लाइन मैंने कर दी तो क्या हो गया फाइव प्लस वन सिक्स हो गया हो गया ना ऐसे ही हम बाकी के भी नंबर रिप्रेजेंट करेंगे ठीक है ये हो गए हमारे टैली मार्क्स का रिप्रेजेंटेशन नंबर्स का ओके okay, यहां तक समझ में आ गया सबको आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस सो बेसिकली हम ये एक स्टैंडिंग लाइन एक बंच मैक्सिमम फोर टाइम हम स्टैंडिंग लाइन लिखते हैं उसके बाद जो फिफ्थ वाली स्टैंडिंग लाइन आती है वो आती है हमारी क्रॉस में ठीक है क्रॉस मतलब स्लैंडिंग लाइन अब मैं आपको बता दूं कुछ कुछ बुक्स में आपको ऐसे भी रिप्रेजेंटेशन मिलेगा ये भी करेक्ट है कुछ कुछ बुक्स में ऐसे भी मिलता है दिस वन इज ऑल्सो करेक्ट लेकिन आप इधर ये और ये इन दोनों में से कोई तो एक फॉलो करो ठीक है हाँ तो एक फ्लो में जाओगे तो आपका कंफ्यूजन नहीं होगा ठीक है रिप्रेजेंटेशन अलग अलग तरीके से दिखा दिखाए जा सकते हैं। तो एग्जाम में आपको कंफ्यूज ना होना है ये रिप्रेजेंट तो टेली मार्क्स का नहीं था हाँ ऐसे नहीं है देर आर पॉसिबिलिटीज के ये है, ये है, भी दिखा सकते हैं, या फिर ये भी शो करते हैं मैक्सिमम टाइम ये दो में से ही होता है हमारा लाइन में से, ठीक है? तो ये आपको याद रखना है ओके okay, चलो तो ये हो गया टैली मार्क्स। आपको रिप्रेजेंटेशन समझ में आ गया नंबर्स का कैसे करना है हमें अब चलो अब ना हम एग्जाम्पल्स लेते हैं ओके okay? तो देखो यहाँ पे है पहला एग्जाम्पल एक दो एग्जाम्पल हम सॉल्व करेंगे बाकी के प्रैक्टिस के लिए लेंगे ठीक है चलो यहां पे एग्जाम्पल दिया है मनसा सेल्स फास्ट फूड ऑन हर स्टॉल हर सेल्स ऑफ लास्ट संडे आर शोन इन द टेबल गिवन बिलो ये देखो ये टेबल दिया है ऑर्गेनाइज द गिवन डेटा इन फॉर्म ऑफ टैली मार्क्स यहाँ पे ऑर्गेनाइज मेथडोलॉजी बताई है मैंने जैसे कि बोला आपको ऑर्गेनाइज करने के डिफरेंट डिफरेंट मेथडोलॉजीज़ होते हैं हाँ डिफरेंट डिफरेंट मेथडोलॉजीज़ होते हैं तो वो उसमें से एक तो आपको बताया जाएगा ऑर्गेनाइज करो डेटा बाई यूजिंग टेलीमार्क्स बाई यूजिंग पिक्टोग्राफ या फिर बाई यूजिंग बारग्राफ ये पूरा आपको बताया जाएगा और वही आपको फॉलो करना है अगर आपको नहीं दिया है क्वेश्चन में कौन सा ऑर्गेनाइजिंग मेथड यूज करना है आपको तो आप अपने मन से जा सकते हो ठीक है ज्यादातर टाइम आपको बताया जाता है कौन सी मेथड अप्लाई करनी है यहां पे। हम्म तो यहां पे उन्होंने क्या बोला है ऑर्गेनाइज द गिवन डेटा इन फॉर्म ऑफ टैली मार्क्स टैली मार्क्स आपको पता है टैली मार्क्स आ गए मतलब स्टैंडिंग लाइन में आपको रिप्रेजेंट करना है राइट right. अब देखो अब इसके आगे आप अगर देखोगे यहां पे जो टेबल दिया है ना इस टेबल में आपको डेटा दिया है हम्म, अब देखो पहली स्टेप हो गई मतलब हमारी ये रिकॉर्ड ऑफ डेटा उन्होंने दिया हाँ, रिकॉर्ड ऑफ डेटा हमें मिल गया कलेक्शन ऑफ डेटा देखो हो गया यहाँ पे राइट right. अब ना हम इसका मार्क्स में करते हैं ठीक है तो उसके लिए पहले में यहां पे ये ओवरलैप कर दू। ओके, हम्म, अब यहां पे हम एक टेबल निकालते हैं आगे भी दिया है टेबल वो भी हम देखेंगे लेकिन यहां पे वन बाय वन एक्सप्लेन करने के लिए मैं यहाँ पे टेबल ड्रॉ करती हूँ तो देखो बेटा हम हमें यहाँ पे क्या किया है हमें ना यहाँ पे टेबल्स दिए हैं मतलब हमें क्या दिया है डेटा दिया है मतलब हमारा पहला स्टेप हो गया यहाँ पे कौन सा था हमारा डेटा हैंडलिंग का पहला स्टेप हमारा डेटा हैंडलिंग का पहला स्टेप था रिकॉर्ड ऑफ डेटा मतलब कलेक्शन ऑफ डेटा वो तो हो गया देखो वो ऑलरेडी गिवन है वो हमेशा गिवन रहता है ओके, okay. सो so, अब हमें क्या करना है टैली मार्क्स से उसे ऑर्गेनाइज करना है तो यहां पे आएगा नया टैली मार्क्स कॉलम ओके तो ये फिर हमारा रिकॉर्ड ऑफ डेटा नहीं होगा हम्म, तो ये आ जाएगा हमारा टैली मार्क्स का कॉलम पहले इसमें क्या दिया है पहले इसमें दिया है सिक्सटीन अब हम फाइव फाइव के बंचेस करेंगे तैयार ठीक है तो फाइव थ्री फिफ्टीन तो देखो हम थ्री बंचेस करते हैं फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन फिर यहाँ पे फाइव का बंचेस कितने हो गए फाइव 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 फिफ्टीन हो गए राइट right? अब लेकिन यहाँ पे क्या है सिक्सटीन मतलब और एक स्टैंडिंग लाइन हमें निकालनी पड़ेगी ठीक है तो ये हो गया रिप्रेजेंटेशन ऑर्गेनाइज कर दिया हमें टैली हमने टैली मार्क्स में ठीक है अब देखते हैं ट्वेंटी वन ट्वेंटी वन मतलब हमें फाइव के पंचेस कितने करने पड़ेंगे कैसे देखोगे आप फाइव फोर जार ट्वेंटी मतलब आपको फोर बंचेस फाइव के पहले निकालने हैं हाँ आपने क्या किया फाइव के टेबल आपने फाइव का टेबल काउंट किया ये हो गया फाइव थ्री जार फिफ्टीन फाइव फोर जार ट्वेंटी अब बचा कितना वन ट्वेंटी प्लस वन ना तो देखो वन स्टैंडिंग लाइन यहाँ पे आ गया हमारा आंसर ठीक है अब क्या हो गया ट्वेल्व ट्वेल्व वापस से आप क्या करोगे वापस से यहाँ पे वन टू थ्री फोर फाइव फाइव टू जार टेन तो देखो मैंने दो बंचेस निकाल लिए फाइव के ग्रुप हो गए टेन हो गया बच्चे कितने अब नंबर्स बच्चे दो नंबर्स तो हम क्या करेंगे वन और टू ठीक है हाँ अब देखो एट एट हो गया अब आपको क्या करना है वापस से सेम तरीके से लिखना है हमें आसान है ना क्या करेंगे हम वन टू थ्री फोर फाइव हाँ और उसके बाद कितना बचा फिर थ्री वन टू थ्री या हो गया मतलब हमने ये रिप्रेजेंट कर दिया और ऑर्गेनाइज कर दिया है हमारा डेटा टैली मार्क्स में है ना आसान बस हमें क्या करना है उतने फाइव के ग्रुप्स बनाने हैं ये नंबर देखना है क्वांटिटी देखना है और ऐसे टेबल आपको तैयार करना है ठीक है तो ये हो गया हमारा इसका आंसर तो यहाँ पे देखो बताया है यहाँ पे हमने कैसे टेबल फॉर्म किया है तो ये हमेशा याद रखो जब आप ऑर्गेनाइज करोगे डेटा तो बस आपको ये नहीं दिखाना है टैली मार्क्स वाला ही कॉलम नहीं दिखाना है आपको पूरा जो डेटा गिवन है ना कलेक्ट किया हुआ डेटा रिकॉर्ड किया हुआ डेटा वो सारा दिखाना है मतलब फूड आइटम और क्वांटिटी जो डेटा कलेक्शन था वो पूरा दिखाना है उसके बाद बस एक वहां पर आप कॉलम ऐड करोगे दैट इज नथिंग बट ऑफ टैली मार्क्स और वहां पे आप स्टैंडिंग लाइन यूज करके फाइव फाइव के ग्रुप्स यूज करके आप क्या करोगे वहां पे आप वो डेटा रिप्रेजेंट करोगे ठीक है ये हो गया हमारा ऑर्गेनाइजेशन ठीक है मतलब ऑर्गेनाइज करना डेटा ठीक है अब देखते हैं आगे का एग्जाम्पल अब ये है नेक्स्ट एग्जाम्पल यहाँ पे क्या दिया है यहाँ पे दिया है स्वयं सेल्स मिल्कशेक ऑन ही स्टॉल ही सेल्स ऑफ लास्ट संडे आर शोन इन द टेबल गिवन बिलो ऑर्गेनाइज द डेटा इन फॉर्म ऑफ टैली मार्क्स अब यहाँ पे वापस से वही बताया है कितना सेल हुआ है बटर स्कॉच सेवन वैनिला फोर्टीन स्ट्रॉबेरी सेवनटीन चॉकलेट 22 देखो इतना सेल हो गया मतलब हमें डेटा मिल गया पहली स्टेप हो गई हमारी कलेक्शन ऑफ डेटा रिकॉर्ड ऑफ डेटा ये मिल गया हमें अब हमें क्या करना है अब हमें इसे ऑर्गेनाइज करना है किस फॉर्म में ऑर्गेनाइज करना है यहां पे दिया है देखो हमें यहाँ पे दिया है टैली मार्क्स के फॉर्म में इसे ऑर्गेनाइज करना है ठीक है तो चलो देखो यहाँ पे यहाँ पे ये यह टेबल दिया है बटर स्कॉच क्वांटिटी कितनी है सेवन तो मैं यहाँ पे बस ये ओवरलैप कर देती हूं यहाँ पे देखो हम निकालेंगे यहाँ पे हु? ताकि आप समझ पाओ यस yes. अब यहाँ पे हम ना मार्क्स निकालते हैं क्या दिया है यहाँ पे बटर स्कॉच की क्वांटिटी कितनी है सेवन कितना मतलब फाइव का बंडल आएगा क्या इसमें यस yes. टैली मार्क्स के आएंगे फाइव ओके लेट मी चेंजिंग यस तो देखो वन टू थ्री फोर फाइव अब कितने बचे अब बस टू स्टैंडिंग लाइंस हमें दिखाने हैं ठीक है अब देखो वैनिला वैनिला कितना क्वांटिटी सेल हो गया फोर्टीन क्वांटिटी मतलब क्या हो गया वन टू थ्री फोर फाइव वन टू थ्री फोर फाइव टेन हो गया टेन एंड आफ्टर दैट One, two, three, four. आ गए हमारे, अब अब वैसे ही का 17 हमें दिखाना है. कैसे हम? मतलब टेन हो गया फाइव थ्री हजार फिफ्टीन यहाँ पे फाइव का बंच हो गया अब यहाँ पे देखो बचा कितना फिफ्टीन के बाद सेवनटीन होने में टू बचा तो टू तरीके से हम आगे का भी ट्वेंटी तो फोर बंडल्स हम फाइव के निकालेंगे और ये दो बंडल्स निकाले हमने यहां पे कितने हो गए यहां पे हो गए ट्वेंटी अब ट्वेंटी टू होने में कितने हैं टू तो टू स्टैंडिंग लाइन लगा दिया हमने यहां पे। तो ये हो गया हमारा टैली मार्क्स का रिप्रेजेंटेशन ठीक है आई होप सबको समझ में आ गया है अब हम एग्जाम्पल्स लेना शुरू करें सॉल्व करना है आपको और यस yes. चलो स्टूडेंट्स अब यहां पे देखो यस yes. अब प्रैक्टिस क्वेश्चन यहाँ पे देखो राहुल इज ए कोच ही ऑर्डर इक्विपमेंट फॉर हिज एकेडमी डिटेल्स ऑफ द ऑर्डर आर गिवन इन द टेबल बिलो शो द डेटा इन फॉर्म ऑफ टैली मार्क्स तो यहाँ पे क्या दिया है यहाँ पे दिया है हमारा डेटा हाँ बास्केटबॉल कितनी ऑर्डर है क्वांटिटी ट्वेल्व बैट सेवन फुटबॉल फाइव क्रिकेट बॉल नाइन अब उसका हमें क्या करना है टैली मार्क्स के फॉर्म में क्या करना है डेटा को रिप्रेजेंट करना है ऑर्गेनाइज करना है चलो फिर कर लेते हैं वापस से हमें यहाँ पे ब्लॉक्स निकालने हैं ओके तो ये दिया गया डेटा तो है हमारे पास बस हमें क्या करना है अप टैली मार्क्स का कॉलम ऐड करना है ठीक है हम वन बाय वन वो ऐड करेंगे हा आसान तो है एक एग्जाम्पल में आपको होमवर्क के लिए भी दूंगी ठीक है तो यहां पे देखो ओके तो ये हो गया आपका टैली मार्क्स यस अब देखो यहां पे बास्केटबॉल कितनी क्वांटिटी है क्वांटिटी ट्वेल्व क्वांटिटी मतलब हम कितने बंचेस निकालेंगे फाइव के ग्रुप्स कितने करेंगे हम सोचो यस yes, फाइव का टेबल वो बोलना है इसके लिए फाइव टू जार टेन तो हम ये देखो टू बंचेस हम निकालेंगे ओके okay, अब टू ट्वेल्व होने के लिए दो बच गए हो गया ट्वेल्व राइट right? वैसे ही हम सेवन के लिए रिप्रेजेंट करेंगे वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स और सेवन वन टू थ्री फोर फाइव ओ वेट गलत गई मैं यहाँ पे वन टू थ्री फोर और उसके बाद फाइव फाइव का आएगा स्लैंटिंग लाइन ओके तो फाइव हो गया अब उसके बाद अब उसके बाद नाइन ओके तनुजा यू आर इन नाइन स्टैंडर्ड ओके बेटा नाउ वन टू थ्री फोर फाइव देन वन टू थ्री फोर फाइव ये हो गया टेन लेकिन हमें कितना चाहिए हमें चाहिए नाइन तो क्या हो गया ये हो गया हमारा आंसर फाइव एंड उसके बाद फोर नाइन अंडरस्टूड दिस तो ये हो गया हमारा टेबल ऑर्गेनाइज कर दिया हमने ठीक है नाउ नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है सरिता इज अ शॉपकीपर शी ऑर्डर्ड न्यू स्टॉक फॉर हर स्टोर शो दट डेटा गिवन बिलो इन फॉर्म ऑफ टैली मार्क्स ये दिया है हमारा डेटा हमें ये डेटा हैंडलिंग करना है हैंडल करना है ताकि हम बाद में एनालाइज कर सके ओके okay? तो यहाँ पे देखो यहाँ पे पहला प्रोसेस हो गया है पहला स्टेप हो गया है डेटा कलेक्शन ये है डेटा कलेक्शन टेबल फॉर्मेट में हमें मिल गया डेटा राइट right? अब हम क्या करेंगे अब हम बस यहाँ पे क्या करेंगे टैली मार्क्स का एक कॉलम ऐड कर देंगे ओके okay? चलो फिर तो यहाँ पे टैली मार्क्स का एक कॉलम ऐड कर देते हैं ओके okay? अब ये डेटा कलेक्शन हो गया दूसरा स्टेप क्या होगा फिर हमारा हमारा दूसरा स्टेप होगा ऑर्गेनाइज दैट डेटा और उन्होंने वे भी मेथडोलॉजी और फॉर्म भी बताया है हमें कौन से फॉर्म में आपको करना है ऑर्गेनाइज ओके टैली मार्क्स के फॉर्म में तो यहां पे आएगा नया कॉलम टैली मार्क्स क्या दिया है टॉय कार कितने ऑर्डर किए थे टेन मतलब क्या करेंगे हम कितने स्टैंडिंग लाइन लेंगे वन टू थ्री फोर फाइव और उसके बाद सिक्स सेवन एट नाइन टेन हो गया दो बंडल्स फाइव के अब उसके बाद लूडो बोर्ड लिया है सेवन सेवन क्वांटिटी मतलब फाइव का एक बंडल और उसके आगे दो स्टैंडिंग लाइन सिक्स का क्या करेंगे फाइव का एक सेट और उसके बाद एक सिंगल कॉलम यस तनुजा वेरी गुड बेटा। नाउ मेमोरी गेम कितना लिया 23 अब देखो उसे कैसे हम रिप्रेजेंट करेंगे उसे रिप्रेजेंट करेंगे हम 5 का बंडल लेके 5 फोर 20 तो 20 के आगे मतलब फोर आपको 5 के बंडल्स निकालने अब मैं ये क्यों बता रही हूँ आपको पता है ये इसलिए बता रही हूँ आपको ताकि आप फटाफट से ये कर पाओ राइट ट्वेंटी थ्री वन टू थ्री फोर फाइव चार बंडल निकालेंगे हम यहाँ पे फिफ्थ बंडल ये हो गया हम्म चार बंडल थ्री फाइव थ्री जार फिफ्टीन अब देखो फाइव फोर जार ट्वेंटी अब उसके आगे और एक बंडल निकालेंगे क्या नहीं क्योंकि ट्वेंटी प्लस थ्री राइट तो मैं क्या येस बेटा वेरी गुड फोर टाइम्स फाइव एंड उसके आगे थ्री टाइम्स स्टैंडिंग लाइन वेरी गुड तनुजा बेटा वेरी गुड सो दिस इज आवर टैली मार्क्स तो ये हमने ऑर्गेनाइज कर दिया डेटा ठीक है अब यहां पे क्वेश्चन है मनोज इज अ फ्रूट सेलर हिज डेली फ्रूट सेल्स आर गिवन बिलो शो द डेटा इन फॉर्म ऑफ टैली मार्क्स। यस नाउ किसका बेटा फोर का फाइव बंडल्स नहीं कर सकते बेटा वैसे हम फोर के फाइव बंडल्स नहीं निकाल सकते तनुजा क्योंकि क्या होता है हमारे टैली मार्क्स में क्या है फॉर्मेट है वो टैली मार्क्स में हर एक नंबर को अलग तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है वन को सिंगल लाइन से टू को टू स्टैंडिंग लाइन से थ्री को थ्री स्टैंडिंग लाइन से फोर को फोर स्टैंडिंग लाइन से और उसके बाद एक बंडल होता है वो होता है फाइव का तो ये फाइव के ग्रुप में ही हम टैली मार्क्स रिप्रेजेंट करते हैं हमेशा याद रखो हम क्या करते हैं मार्क्स फाइव के ग्रुप में ही रिप्रेजेंट करते हैं यस ओके सो फाइव का हम क्या करते हैं टैली मार्क्स मैक्सिमम ठीक है बेटा कोई बात नहीं सो so, देखो हम क्या करते हैं फाइव का ग्रुप ही करते हैं और उसे ही हम मैक्सिमम मतलब वो ही हमारा मैक्सिमम ग्रुप रहता है ओके okay? तो ये क्योंकि हमें आसान पड़ता है के इसमें काउंट करना राइट दैट्स वाई हम मैक्सिमम एक जो बंडल रहता है वहां पे फाइव का रहता है ठीक है ग्रुप हम बोल सकते हैं उसे ठीक है दैट इज नथिंग बट टैली मार्क्स ओके नाउ हम ऐसे भी किसका नहीं बंडल कर सकते ठीक है ग्रुप नहीं कर सकते है. अब देखो यहाँ पे क्या क्वेश्चन है मनोज इज अ फ्रूट सेलर हिज डेली फ्रूट सेल्स आर गिवन बिलो शो द डेटा इन फॉर्म इन फॉर्म ऑफ मार्क्स ठीक है तो यहाँ पे डेटा दिया है दिस इज कलेक्शन ऑफ डेटा हाँ मतलब यहाँ पे रिकॉर्ड दिया है डेटा का अब हमें क्या करना है उस डेटा को ऑर्गेनाइज करने के लिए उन्होंने बोला है और कैसे ऑर्गेनाइज करेंगे हम हम ऑर्गेनाइज करेंगे बाय यूजिंग टैली मार्क्स क्योंकि उन्होंने फॉर्मेट भी बताया है कैसे फॉर्म में आपको करना है ठीक है तो ये हो गया चलो यहां पे स्टैंडिंग लाइन लगा लेते हैं हाँ अब देखो ये हो गया हमारा टैली मार्क्स नाउ अब यहाँ पे करना है जरा सोचो अब मैंगो लिया तो इलेवन क्वांटिटी कितनी है इलेवन मतलब कितने बंडल्स आएंगे चलो फटाफट वट से बताओ मुझे कितने बंडल्स आएंगे इलेवन मतलब वैसे ही आपको क्या करना है एटीन के बताने हैं ट्वेंटी वन के बताने हैं और फिफ्टीन के भी बताने हैं कितने ग्रुप करेंगे फाइव के हम इकट्ठा हाँ तो देखो इलेवन फाइव टू जा टेन मतलब टू फाइव के हम बंडल करेंगे या फिर ग्रुप करेंगे हम ऐसे बोलते हैं वन ग्रुप टू ग्रुप यहाँ पे हो गया टेन अब एडिशनल कितना एडिशनल वन स्टैंडिंग लाइन उसके बाद एटीन एटीन ले लो यस वेरी गुड बेटा नाउ करना है कितने हम फाइव के ग्रुप करेंगे देखो वन टू थ्री फोर फाइव यस वेरी गुड तनुजा वन टू थ्री फोर डैश ये हो गए यहाँ पे थ्री बंडल्स फिफ्टीन हो गए अब इसके बाद इसके बाद क्या करना है वन टू थ्री फिफ्टीन प्लस थ्री कितना हो गया एटीन यस yes, बेटा वेरी गुड नाउ उसके बाद देखो ट्वेंटी वन और फिफ्टीन ट्वेंटी वन और फिफ्टीन ट्वेंटी वन के लिए हम कितना निकालेंगे यस फोर ग्रुप

थ्री ग्रुप्स हम निकालेंगे वन टू थ्री फोर एंड वन स्लैश वन टू थ्री फोर वन स्लैश वन टू थ्री फोर वन स्लैश यहाँ पे फिफ्टीन दिया है बेटा ओके इट्स नॉट टेन टेन होता तो टू ग्रुप्स हो गए होते हम्म तो यहाँ पे देखो क्या हो गया ये हो गया हमारा टैली मार्क्स का ठीक है इस फॉर्म ने फॉर्म में हमने क्या किया इसे ऑर्गेनाइज किया सो दिस इज अबाउट टुडे ये हमारा था आज का लेसन प्लान तो आप कोई बात नहीं बेटा कोई बात नहीं वेल ट्राई यू वर वेरी रिस्पॉन्सिव आई अप्रिशिएट दैट वेरी गुड तनुजा नाउ लुक लुक हियर नाउ हियर अब हमने आज क्या देखा ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा और उसका कौन सा फॉर्म देखा हमने आज आज हमने देखा टैली मार्क्स का फॉर्म आज हमने जो डेटा हैंडलिंग में देखा तो आप को जो क्वेश्चन दिए जाते हैं ऑलरेडी रिकॉर्ड ऑफ डेटा दिया जाता है पहली स्टेप डेटा दूसरा ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ऑर्गेनाइज करना डेटा है इसके डिफरेंट डिफरेंट तरीके हैं वेज है वो हमें यहाँ पे पढ़ने हैं अब आज से हम आज हमने क्या पढ़ा टैली मार्क्स इसके आगे हम बाकी के देखेंगे ठीक है हा? तो ये था हमारा आज का सेशन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा डेटा हैंडलिंग के ऊपर ठीक है इसमें हमने देखा टैली मार्क्स का सो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड टूडे टूडे टॉपिक ठीक है तो चलो यहाँ पे आज हम स्टॉप करते हैं और लास्ट आपको क्या करना है हमारे लर्न कोर्स जो चैनल है उसका यूट्यूब का उसे सब्सक्राइब करना है प्रेस बेल आईक बटन सो दैट यू विल नेवर मिस एनी अपडेट व्हेन वी अपलोड एनी वीडियो ऑन यूट्यूब ओके ठीक है ऑल्सो आज का अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आए तो डेफिनेटली लाइक कीजिएगा कॉमेंट कीजिएगा एंड शेयर विथ योर फ्रेंड ऑल्सो ओके तो चलो फिर आज हम यहाँ पे स्टॉप करते हैं और नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे आगे का टॉपिक लेके बाय बाय एवरीवन